मैं हूं शिव रामचंद्र, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया नया रेसिपी, ये है इंडियन फिश कटलेट। ये जो इंडियन फिश कटलेट है आप घर में बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप ये इसमें जो जो सीजनिंग है फॉलो करिए, आराम से आप घर में बना सकते हैं। जो भी मेरा चैनल न्यू देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जब भी मैं नया रेसिपी मेरा चैनल में अपडेट करेगा आपको पहले पहुंच जाएगा। फिश कटलेट, ये जो फिश कटलेट है इंडियन स्टाइल में आप घर में बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। एक स्नैक्स है, कभी भी आप किधर जा रहा है, बच्चे का टिफिन बॉक्स भेज रहा है बच्चे को खाने के लिए, तो आप बच्चे को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, खुद खा सकता है, घर में बना सकता है। स्नैक्स में कोई दोस्त कोई मेहमान आया तो घर में आप बना सकते हैं फिश कटलेट। फिश कटलेट नाम जरूर सुना होगा किधर भी आपने, लेकिन फिश कटलेट आप घर में बना सकता है। फिश कटलेट के लिए ये नॉनस्टिक पैन चढ़ाया, आपका घर में कढ़ाई है तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, आप फ्राई पैन है तो फ्राई पैन में। इसमें अभी ऐड कर रहा हूँ तेल, ये है तेल कुकिंग ऑयल। अभी ऐड कर रहा हूँ ये है गार्लिक, चॉप गार्लिक। आपके पास चॉप गार्लिक नहीं है तो आप गार्लिक जिंजर पेस्ट भी यूज कर सकते हैं घर में। ये मैं यूज कर रहा हूँ चॉप गार्लिक। अभी ये सौते हो गया, हल्का ब्राउनिश कलर आया, इसमें ऐड कर रहा हूँ अभी चॉप ऑनियन। ये चॉप ऑनियन इसमें ऐड कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा सॉल्ट है, चॉप सैलरी, इसमें चॉप सैलरी ऐड कर रहा हूँ। सैलरी चॉप डाला, मार्केट में अवेलेबल रहता है, आप मिला तो यूज करें, नहीं मिलता है तो आप नहीं भी यूज कर सकते हैं सैलरी स्टिक, मार्केट में आजकल मिलता ही है, आपको नहीं मिला तो आप अवॉइड कर सकते हैं सैलरी स्टिक। अच्छा, मैं अभी ऐड कर रहा हूँ ये है फिश, ये करीब 300 ग्राम है, बोनलेस करके लिया, इसमें एक भी बोन नहीं है, पूरा मच्छी का कांटा निकाल लिया। अभी इसमें ऐड कर रहा हूँ ये मच्छी, आप कौन सा भी मच्छी यूज कर सकते हैं फिश कटलेट के लिए, कौन सा भी मच्छी आप यूज कर सकते हैं जिसमें कांटा नहीं होने चाहिए, क्योंकि कांटा गला में फंस सकता है। तो आप जब भी कोई मच्छी आप यूज कर रहे हैं देख लीजिए कांटा नहीं होने चाहिए, तो ऐसा सौते कर लेना है इसे, ये जो अब पक जाएगा तो उसके बाद अभी मसाला ऐड करेंगे। करो ये हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर यूज किया हाफ टी स्पून। अभी ऐड कर रहा हूँ ये है ग्रीन चिली चॉप, चॉप ग्रीन चिली। ये है चिल्ली पाउडर, मैं ऐड कर रहा हूँ चिल्ली पाउडर। ये है जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। पक गया, ये देखिए मैं सो जा रहा है, ये देखिए आराम से, इसका मतलब मच्छी पक गया, मच्छी कुक हो गया। तो अभी इसको रखेंगे थोड़ा ठंडा करने के लिए, इसको अभी ठंडा करेंगे, ठंडा करने के लिए ये अभी मच्छी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उसको कटलेट बनाएंगे। ये जो कटलेट बनेगा इंडियन स्टाइल, जब तक ये ठंडा रहे तब तक हम इसके लिए यूज करेंगे बॉयल पोटैटो करके रखा था, वो ऑलरेडी ठंडा हो गया, उसको अभी ग्रेटेड कर लेते हैं। तब तक बॉयल आलू करके रखा था, उसको अभी ग्रेटेड कर लेता हूँ। ये कद्दूकस बोलते हैं घर में तो होता है, ये अभी ये चीज ठंडा हो गया, इसमें ऐड कर रहा हूँ ये है चॉप कोरिएंडर, ये चॉप कोरिएंडर। अभी ऐड कर रहा हूँ ये है गरम मसाला, ये गरम मसाला का रेसिपी ऑलरेडी मैंने मेरा चैनल में अपलोड कर दिया, आपको चाहे तो उधर देख लीजिए। इसमें अभी ऐड करेगा ये 1 पिंच गरम मसाला, अच्छे से ऐसा मिक्स कर लेना है, ये मिक्स कर लिया। अभी इसमें ऐड करेगा पोटैटो जो ग्रेटेड करके रखा, ये है इसका पोटैटो, बॉल करके उसको ग्रेटेड किया था, ये ऐड कर रहा हूँ। ऐड कर रहा हूँ सॉल्ट, ये सॉल्ट एक ये एक से, इसको अभी ऐसा बीट कर लेना है, बीट कर लेना है अच्छे से। ये अंडा इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फिश कटलेट हम बनाएंगे
उसमें ब्रेड को हम कोटिंग करना है। तो कोटिंग के लिए ऐसा आप नॉर्मली डायरेक्ट कोटिंग करेंगे तो ब्रेड कोटिंग नहीं होगा, इसीलिए एक बैटर बहुत ज़रूरी है। तो एक बैटर बना लिया, उसमें ये जो फिश है ये फिश को ऐसा राउंड करके इसमें ले लाएँ। गोला बना लेना है, गोला बना के अंडा में उसको डीप करना है। अंडा में डीप करने के बाद इसको ऐसा डीप कर लीजिए। इसको ऐसा कोटिंग करने के लिए ये ब्रेड क्रम है, ये ब्रेड क्रम को ऐसा देना है और उसके बाद इसको एक शेप देना है कैटलेट का, हार्ट शेप। ये बन के रेडी हो गया, ये है फिश कैटलेट। इसको ऐसा शेप देना है, इसको बन गया कटलेट, बन के ये रेडी हो गया। ये जो कटलेट का शेप दे हार्ट शेप का दिया, ये अभी इसको फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया, तेल गर्म हो गया, ज़्यादा हाई हीट नहीं होनी चाहिए, स्लो मीडियम हीट होनी चाहिए। ये आपको पता चल रहा है कितना टेम्परेचर है, ये मीडियम हीट में होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ज़्यादा हीट में कटलेट को ऐड करेंगे तो ब्लैक पड़ जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, सही क्रंचीनेस और सही टेस्ट नहीं आएगा। ये फ्राई हो रहा है टेम्परेचर, ये देखिए ये अभी फ्राई हो गया। तो इसको हम निकल लेंगे, ऐसा एक पेपर रोल आता है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। ये पूरा रेडी हो गया, ये फिश कटलेट इंडियन स्टाइल, ये इंडियन फिश कटलेट रेडी हो गया। ये है इंडियन फिश कटलेट, आप घर में बना सकता है। ये जो फिश कटलेट है प्योर इंडियन स्टाइल में है, आप घर में बनाएं बहुत अच्छा है। कोई भी दोस्त आया, मेहमान आया अपना घर में, बच्चा किधर भी जा रहा है जल्दी जल्दी में, आप बना सकता है, टिफिन बॉक्स में दे सकता है, स्नैक्स में यूज कर सकता है। जो भी मेरा चैनल न्यू देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, न्यू रेसिपी लेके फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं हाजिर होगा। मैं हूँ सेफ रामचंद्र, थैंक यू।